वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले फोर्ड 3600 इस ट्रैक्टर को, जो कि 35 साल पुराना है, इसको टोटली रिस्टोरेशन की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्टर की पेंटिंग करने के पहले की, यानी कि रिस्टोरेशन करने के पहले की कंडीशन किस तरीके से है। ट्रैक्टर को पेंटिंग करने से पहले हमने हर एक पार्ट्स को ट्रैक्टर से अलग कर दिया है, और उसके बाद उसके ऊपर का, यानी कि ट्रैक्टर बहुत ही पुराना था इसीलिए उसके ऊपर का कलर है वो हमें अच्छी तरीके से निकालना होगा। इसीलिए सभी पार्ट्स हमने रिमूव किए ट्रैक्टर से, और उसके बाद उसके ऊपर का सारा कलर रिमूव कर दिया है, और उसके बाद ही उसके ऊपर की पेंटिंग की प्रोसेस की। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप यकीन नहीं करोगे कि लास्ट में आप देखोगे कि जो ट्रैक्टर है वो पुराना है या शोरूम से निकला हुआ है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो कुछ इसी तरीके के वीडियो हम इस चैनल के ऊपर डालते हैं पेंटिंग रिलेटेड। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे पार्ट्स थे जो पुराने, उसके ऊपर का हमने पेंट रिमूव लगा के सारा का सारा कलर रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमने कलर को रिमूव कर दिया है, और उसके बाद उसके ऊपर हमने एंटी रस्ट कोट अप्लाई कर दिया है। तो उसकी प्रोसेस किस तरीके से हम आगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे पेंटर क्या करते हैं, ट्रैक्टर पेंटिंग करते समय शॉर्टकट यूज करते हैं, यानी कि ऊपर का जो शो का पार्ट्स है उसके ऊपर का ही कलर रिमूव करके उसके ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो मेन बॉडी है उसके ऊपर का कलर रिमूव नहीं करते, उसके ऊपर सिंपली वॉश करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सैंडिंग करेंगे, क्लीनिंग अच्छे तरीके से करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी कि कलर लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, इसीलिए उसने हर एक पार्ट के ऊपर का कलर रिमूव करने की हमें सलाह दी। इसलिए हमने सारे के सारे पार्ट्स के ऊपर का कलर रिमूव कर दिया है, और उसके बाद ही उसके ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर रिमूव होने के बाद की किस तरीके से पार्ट दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो। पेंटिंग के प्रोसेस के साथ साथ कस्टमर ने इंजन के अंदर का सारा मटेरियल चेंज किया था, यानी कि पिस्टन, फिल्टर वगैरह का सारा मटेरियल चेंज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिल्टर है इसके ऊपर कलर नहीं बैठना चाहिए था, इसलिए हमने उस पार्ट्स के ऊपर अच्छे तरीके से मास्किंग की थी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एंटी रोस्ट कोट मारने की प्रोसेस हम देखेंगे आगे किस तरीके से होती है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी रस्ट कोट मारने की टोटली प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर हमने 2K प्राइमर अप्लाई कर दिया है, जो कि ट्रैक्टर पे कोई भी बंदा नहीं मारते, कोई भी पेंटर नहीं मारते हैं। लेकिन जो कस्टमर की डिमांड थी कि ट्रैक्टर को चाहे जितना खर्चा हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कार के ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस होती है उस तरीके से ट्रैक्टर के ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस होनी चाहिए, इसीलिए हमने पहले एंटी रस्ट कोट अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर 2K प्राइमर की एप्लीकेशन की है। के प्राइमर अप्लाई कर देने के बाद ट्रैक्टर को एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे तरीके से ड्राई सैंडिंग, वेट सैंडिंग करके अच्छे तरीके से सरफेस को प्लेन किया, और उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस की। पेंटिंग की प्रोसेस करते समय कस्टमर की डिमांड थी, जो पहले फोल्ड का कलर था ट्रैक्टर का पहला पुराना वाला, कस्टमर को उस तरीके से कलर नहीं चाहिए था, उसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए था। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की फ्रेश ब्लू वाली शेड कस्टमर ने सिलेक्ट की थी, कुछ उस तरीके से हमने ट्रैक्टर के ऊपर वही शेड अप्लाई कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमर अप्लाई करने की प्रोसेस चल रही है। इसके बाद हम इसके ऊपर टोटली पेंटिंग की प्रोसेस करेंगे। किस तरीके से पेंटिंग की प्रोसेस होती है आगे जाके हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
टोटली ट्रैक्टर के ऊपर प्राइमर अप्लाई करने की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम इसके ऊपर सैंडिंग करेंगे और उसके बाद पेंटिंग की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे न्यू हॉलैंड की ब्लू शेड हमने सिलेक्ट की है। इसमें एक कस्टमर को जो फोर्ड की पुरानी वाली शेड आती है वो नहीं चाहिए थे, उसमें चेंज चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही डल दिखाई देती है, इसीलिए कस्टमर को लेकिन कस्टमर को जो कलर चाहिए था वो थोड़ा सा फ्रेश चाहिए था, इसीलिए कस्टमर ने न्यू हॉलैंड का जो फ्रेश कलर होता है वो सिलेक्ट किया था। यहाँ पे पेंटिंग की प्रोसेस आप देख सकते हो। पेंटिंग की प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद पेंटिंग किए हुए सभी पार्ट्स हमने एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिए और उसके बाद जो ट्रैक्टर का मेन शो होता है उसके ऊपर फोर्ड 3600 ये स्टिकर आता है, उस स्टिकर को हमने लगाया, यानी कि एक दिन सूखने छोड़ने के बाद हमने उसके ऊपर स्टिकर लगाया है। तो कुछ इस तरीके से टोटली पेंटिंग की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप पेंटिंग की प्रोसेस टोटली खत्म हो जाने के बाद ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से हमने असेंबल किया और उसके बाद फाइनल शॉट कुछ इस तरीके से है कि ट्रैक्टर आपको पहचानने भी नहीं आएगा कि ये पुराना ट्रैक्टर है जो कि 30-35 साल पुराना है या ये नया वाला शोरूम से आया है, कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस किस तरीके से होते है देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हमारा शॉप महाराष्ट्र में सोलापुर में पंढरपुर में हमारा शॉप है, लेकिन ये जो ट्रैक्टर हमने पेंट किया है ये पुणे के पास शोरो नाम का गांव है वहां पे जाके हमने पेंट किया है, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है विजय बनकर नाम का वो बोला था कि ट्रैक्टर अगर पेंट करना है तो आप ही से ही करना है, इसीलिए उस बंदे ने 6 महीने तक उस ट्रैक्टर को कलर करने के लिए डिले कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा काम था, वहां जाना पॉसिबल नहीं था। वो बंदा बोला कि आपको जब भी टाइम फ्री मिलेगा तब आप आके ट्रैक्टर को पेंट करवा दीजिए। उसके बाद बस हमें 6 महीने के बाद ही टाइम फ्री मिला, उसके बाद जाके हमने उनके यहाँ पे ट्रैक्टर को टोटली पेंट करवा दिया। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो जो ब्लैक शर्ट में वही विजय है। स्टिकर लगाने के एंड पेंटिंग की प्रोसेस टोटली खत्म हो चुकी है। ट्रैक्टर को टोटली पेंट करते समय हम उनके घर पे ही रुके थे, बहुत सारी पार्टियां की, उसके कुछ पिक्स है 2-4 वो आपको दिखाते है और उसके बाद हम फाइनल लुक दिखाएंगे कि ट्रैक्टर का किस तरीके से दिखाई देते है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।